हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैं मतियस पहान आप सबों को मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग जोहार सत श्री अकाल वेलकम सलाम नमस्ते जयराम जी की। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक टिक्की रेसिपी बनाने की आइडियाज़ बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं इसको टिक्की नाम देता हूं। अगर आप लोग का आइडियाज़ कुछ आएगा तो फिर आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या रखें। एक्चुअली मैं इसको टिक्की नाम रखता हूं। तो दोस्तों, चलिए समय को ना गंवाते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने कढ़ाई हल्का गर्म हो गया और उसमें मैंने एक चम्मच घी ऐड कर दिया। ओके दोस्तों, घी ऐड कर दे, घी पिघल गया। उसके बाद मैंने आधा चम्मच जीरा ऐड किया और ये आपका आधा चम्मच से भी थोड़ा कम है अजवाइन, ठीक है। तो दोस्तों, ये आपका चिली फ्लेक्स है कि नहीं, यानी कि सूखा मिर्च को मैंने हल्का दरदरा पीस करके डाल दिया। और ये आपका आधा चम्मच से भी कम है गोल मिर्च पाउडर, ठीक है। तो दोस्तों, ये सब हम हल्का फ्राई कर लेंगे घी से, है कि नहीं। उसके बाद ये हम राइस पाउडर डाल देंगे एक कप, यानी कि मैंने एक टोकरी एक कटोरी लिया है। तो दोस्तों, उससे मैंने एक कटोरी उसमें राइस पाउडर यानी चावल आटा लिया है और इसको हमें भी फ्राई करना है कि नहीं। ज़्यादा नहीं फ्राई करना दोस्तों, हल्का फ्राई करना है। उसके बाद हम उसमें पानी डाल देंगे। ओके, तो दोस्तों पानी एक साथ आप ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का हल्का डालिए, फिर मिलाइए, फिर डालिए, फिर मिलाइए। तो उसके बाद एक चम्मच मैंने नमक डाल दिया और ये आपका आधा चम्मच से भी कम है थोड़ा बेकिंग सोडा, यानी कि जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं वाला सोडा, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद ये हल्का हल्का ना पानी मिलाते जाइए और इसको भी मिक्स करते जाइए। दोस्तों, आप गर्म पानी लीजिएगा, ठंडा पानी नहीं लेना, ठीक है। नहीं तो अगर ठंडा पानी आप डाल दीजिएगा ना, तो फिर आपका जो बनने वाला रेसिपी ना वो ख़राब हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बढ़िया से बताता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही आसान और सरल है, सिंपल है, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह से आप इसको अब निकाल लेते हैं। मेरा भुन्ना हो गया, मैंने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया। ओके गाइस, तो दोस्तों ये मैंने अभी बाहर निकाल दिया कढ़ाई से, ये प्लेट में, और इसको हम ठंडा करने के लिए करीबन 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। ओके दोस्तों, अब 10 मिनट हो गया, यानी कि हल्का हल्का गर्म भी रहना है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना। उसके बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाल के, एक चम्मच मैंने तेल डाला और उसके बाद इसको हम मिक्स करना शुरू कर दिए। दोस्तों, अगर आप तेल नहीं डालिएगा ना, फिर आपका हाथ में भी चिपक जाएगा, आपका प्लेट में भी चिपक जाएगा, फिर आपका जो सोच रहे हैं जो भी टिक्की बनाने की रेसिपी है ना, वो आप बना नहीं पाएंगे। ओके, तो दोस्तों इस तरह से मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, मेरा हाथ में भी नहीं चिपका है और मेरा प्लेट में भी नहीं चिपकता है कि नहीं। तो दोस्तों, इसे अभी छोटा छोटा गोल यानी कि राउंड 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 जैसे गोली जैसा हमें अब छोटा छोटा इसका पुड़िया बना लेना है कि नहीं, देख रहे हैं ना। ये इस तरह मैंने गोल करके बहुत ही अच्छी तरह से गोल राउंड बना दिया है कि नहीं। दोस्तों, हाथ में इसको राउंड करने टाइम ना हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल डालिए, अगर आप तेल नहीं डालिएगा ना तो फिर आपका हाथ में भी चिपक सकता है कि नहीं। दोस्तों, इस तरह से सारा जितना भी है, जितना गोली है, वो जो प्लेट में बड़ा वाला गोली है ना, उसको हम इस तरह छोटा छोटा करके सबको डिवाइड कर लेंगे, छोटा छोटा गोलियाँ बना लेनी है कि नहीं। ये देख रहे हैं कितना मस्त और कितना बहुत ही अच्छा है कि नहीं, बहुत मज़ेदार दिख रहा है कि नहीं। दोस्तों, आप भी इसे खाने का ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अभी खा लो है कि नहीं। दोस्तों, तो इस तरह से मैंने सारा गोलियाँ बना लिया दोस्तों, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने फिनिश कर लिया, देख रहे हैं ये सब गोलियाँ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है कि नहीं। दोस्तों अभी आप इसको टिक्की बनाना है तो इसका डिज़ाइन करने के लिए एक कांटा चम्मच लिया है, उसमें ठेपा उंगली से ना दबा करके हल्का सा रोल कर देना, यानी कि घुमा देना, देख रहे हैं। ये हम फिर से बता रहे थे, हल्का दबा दिया, उसको इस तरह घुमा दिया, तो ये आपका डिज़ाइन बन जाता है कि नहीं। दोस्तों, सारा मैंने डिज़ाइन बना दिया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास है कि नहीं। अब इसको फ्राई करना है कि नहीं। दोस्तों, इसको फ्राई करने टाइम आप लो फ्लेम बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका फट सकता है, ठीक है। इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है कि नहीं। दोस्तों, मेरा तेल गर्म हो गया है अच्छी तरह से, यानी कि मीडियम फ्लेम पे मैं सारा जो बनाया था ना भुरिया, वो मैंने डाल दिया। अब देख रहे हैं बहुत ही एकदम बल रहा है, बहुत फुल यानी कि बुलबुले आ रहे हैं कि नहीं, यानी कि अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है मेरा, है कि नहीं। दोस्तों, ये जो मैंने फ्राई स्ट्रिप डाला था वो मेरा फ्राई होके फाइनल हो गया है कि नहीं। अब इसको एक प्लेट में निकाल के रखनी है। ओके गाइस, दोस्तों निकाल के रख दिया एक बार का, और इसी प्रोसेस में और एक जितना भी बचा है उसको हम फ्राई कर लेना है कि नहीं। दोस्तों, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है कि नहीं देखने में ना, बहुत सुंदर दिख रहा है, बुलबुल है कि नहीं। दोस्तों, इस तरह से रेसिपी रहा दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताया है कि नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग ना मेरा फेसबुक पेज में नए हैं और यूट्यूब चैनल में भी अगर आप नए हैं, तो फिर फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो, नए नए रेसिपी मैं हर दिन आप तक पहुँचाऊँ।
ओके गाइस दोस्तों, लास्ट स्टेप है दोस्तों, लास्ट जो स्टेप था मेरा वो भी फाइनल हो गया, सबको मैंने फ्राई करके रेडी कर दिया। ओके गाइस, तो दोस्तों ये मेरा टिक्की फ्राई होकर रेडी गई है, टमाटो केचप या टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ सकते हैं, या नारियल चटनी भी बना के खा सकते हैं, आपका मर्जी, आप जिसे खाना पसंद करेंगे उसी के साथ आप खा सकते हैं। दोस्तों मैं तोड़ के भी आप लोग को दिखाऊंगा अंदर कैसे, देखो कितना क्रंच है कि नहीं। दोस्तों अंदर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक गया है। अब इसको मैं टमाटर सॉस के साथ खा लेता हूँ, तो दोस्तों ट्राई कर लेता हूँ। वाओ दोस्तों, बहुत मज़ा आया दोस्तों, खा के देखा ना तो दिल खुश हो गया, दिल खुशी से गदगद हो गया। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए दोस्तों इस